हाई गाइस एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप मेरी फैमिली ठीक होगी और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सोनी वर्ल्ड में। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ईजी बट बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव स्किन ब्राइटनिंग सीरम शेयर करने वाली हूँ, जो कि स्पेशली हमारी सर्दियों के लिए है। सर्दियों में अक्सर हमारी स्किन काली, रूखी, सूखी, कटी फटी, बेजान हो जाती है और स्किन पर बहुत ज़्यादा डलनेस हो जाती है, स्किन बहुत ज़्यादा काली हो जाती है। देखिए दोस्तों, स्किन काली इसलिए हो जाती है क्योंकि सर्दियों में जो ड्राई एयर चलती है वो आपकी स्किन से मॉइस्चर यानी कि नमी को खींच लेती है, जिससे कि आपकी स्किन डिहाइड्रेटेड यानी कि आपकी स्किन में पानी की कमी हो जाती है और आपकी स्किन काली, रूखी, सूखी, कटी फटी, बेजान हो जाती है। और आपका कॉम्प्लेक्शन जब ब्राइट है तो आपका कॉम्प्लेक्शन सर्दियों में बहुत ज़्यादा काला डल पड़ जाता है। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही इजी रेमेडी लाई हूँ, जो कि हम बनाएंगे गुलाब जल से। गुलाब जल में आपको सिर्फ दो चीज़ें मिलानी है, जो कि आई एम श्योर सबके घर में होता ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव बट बहुत ही ज़्यादा सिंपल रेमेडी है, मतलब आप ये वीडियो देखते भी ये रेमेडी बना सकते हैं, इतनी सिंपल है। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आती है, अगर आपको मेरी वीडियो से फ़ायदा हो रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। तो अगर हम खूबसूरत होते हैं, हम बहुत ज़्यादा हमारी स्किन ब्राइट होती है, हम अंदर से ही हमको अपने आप में ही अच्छा लगता है और कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि जब हम अंदर से बाहर से खूबसूरत देखेंगे तो अंदर से भी खूबसूरत देखेंगे और हमारी स्किन हमें कॉन्फिडेंस भी आएगा, ताकि हम बाहर जाएँ, लोग हमें देखें, हमें अप्रिशिएट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। इसके लिए हम ले लेंगे एक साफ खाली बाउल और आपको लेना है एक चम्मच, क्योंकि हम जो भी यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हैं हमें इक्वल क्वांटिटी यानी कि एक ही चम्मच से हमें इक्वल डालना है, एक बराबर मात्रा में, समान मात्रा में डालना है। तो इस रेमेडी का मेन जो इंग्रेडिएंट है वो है गुलाब जल। दोस्तों गुलाब जल क्या करता है, ये हमारे स्किन के पीएच लेवल को बैलेंस रखता है, हमारी स्किन के टोनिंग का काम करता है, झुर्रियों को हटाता है, सिझाइयों को हटाता है, स्किन को बहुत ज़्यादा ब्राइटन अप करता है ये गुलाब जल, जो कि आज से नहीं सदियों से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है हमारी ब्यूटी को निखारने के लिए। पर हमें आराम से ये गुलाब जल मिल जाता है और हमें पता नहीं है इसका कैसा यूज़ करना है, तो आज मैं आपको बताऊँगी। तो फिलहाल यहाँ पर मैं डाबर का गुलाब जल ले रही हूँ, आपके पास अच्छी ही क्वालिटी का आप गुलाब जल लें, फिलहाल ये मुझे सही लगता है। आपके पास और भी आता है कंपनी का अच्छा ऑर्गेनिक 100% आप वो ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक चम्मच को फिक्स कर लिया है, यहाँ पे हम इसे खोल लेंगे और एक ट्रांसपेरेंट बाउल है, देखिए हम एक चम्मच भरेंगे। एक चम्मच हमें लेना है गुलाब जल, एक चम्मच से ही हम अपने सारे इंग्रेडिएंट्स लेंगे क्योंकि हमको इक्वल क्वांटिटी में डालना है। तो ये देखिए एक चम्मच मैंने इसमें डाला है गुलाब जल, ठीक है। आप चाहें तो क्वांटिटी डबल ट्रिपल भी कर सकते हैं, क्योंकि आप इसे बना के एक मिनट तक आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून यानी कि एक छोटा चम्मच ही मैंने इसमें गुलाब जल का लिया है, देखिए एक चम्मच मैंने इसमें गुलाब जल का लिया है। अब इसी चम्मच से हमारा दूसरा इन्ग्रीडियंट भी हम मेजर करेंगे। तो अगर आपको अभी तक मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, तो लाइक ज़रूर करना। हाँ, हमारा सेकेंड इन्ग्रीडियंट है वो है ग्लिसरीन। मेरे पास बहुत बड़ी बॉटल है ग्लिसरीन, ना हर दुकान पर आराम से 25 से 30 रुपये का आ जाता है, बट ये इजीली अवेलेबल होता है मार्केट में, इसलिए आपको इसकी वैल्यू का पता नहीं चलता। पर जितनी ये इसकी कम इसका प्राइस है, उतने ही लाखों इसके बेनिफिट्स हैं। आप चाहे स्किन ब्राइटनिंग क्रीम देख लें, आप चाहे मॉइस्चराइज़र देख लें, आप चाहे बेबी सॉप्स देख लें, बेबी लोशन देख लें, मॉइस्चराइज़र देख लें, या आप कोई से भी क्रीम्स देख लें ना, उसमें ग्लिसरीन का भर भर के इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, खैर बहुत बड़ी बॉटल है, बस ये आपको 25 से 30 रुपए में किसी भी स्टोर से मिल जाते हैं। ग्लिसरीन का काम क्या होता है दोस्तों, हमारी स्किन पे मॉइस्चर को यानी कि नमी को लॉक कर देना, यदि इतनी भी ठंडी हवा चले, कुछ भी हो, पर ये आपकी स्किन से मॉइस्चर को यानी कि नमी को नहीं खोने देगी, आपकी स्किन को पानी के लेवल को मेंटेन रखेगी। और आपने देखा होगा आजकल मार्केट में बहुत सारे हाइलुरोनिक सीरम मिलते हैं, जो कि बहुत ही 500 के 1000 के आते हैं, बट इसमें नेचुरल हाइलुरोनिक एसिड होता है, जो कि हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा मॉइस्चर देता है, नमी देता है, जिससे कि आपकी स्किन समय से पहले डिहाइड्रेटेड नहीं होती। और आपकी स्किन नमी है, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा प्लम्पी है, अगर आपकी स्किन में बहुत अच्छे से पानी का लेवल है, मेंटेन हो रखा है, तो आपकी स्किन पे फाइन लाइंस, रिंकल्स, झुर्रियाँ नहीं आती, जितने भी एजिंग साइंस है नहीं आती, और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा बेबी सॉफ्ट लगती है। तो यहाँ पर मैं डालूँगी जितना हमने गुलाब जल डाला था उसी चम्मच से हम मेजर कर लेंगे इसको। पर अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा ऑयली है, मतलब गर्मियों में भी आपकी स्किन ऑयली रहती है, तो आप इसका आधा चम्मच ही डालें, ठीक है। तो इसमें मैं डाल दूँगी एक चम्मच अपना ग्लिसरीन और पहले इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए दोनों चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया,
एक वाटर सा, एक ट्रांसपेरेंट सा, जब आप इसे टच करेंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा चिकना चिकना लगेगा ये। और दोस्तों ग्लिसरीन की बात ये होती है कि अपने साइज से डबल ये फैल जाता है जब हम इसे अपने चेहरे पे लगाते हैं, इतना ज़्यादा ये स्प्रेड हो जाता है, आपकी स्किन को इतना अच्छा मॉइस्चर देता है ना कि खुद आप लगाएंगे ना खुद आप जब आपको फ़र्क समझ में आ जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले इंग्रेडिएंट की तरफ जो कि बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो यहाँ पे अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आधा चम्मच डालें। ये इनके लिए जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा सर्दियों में ड्राई फ्लेकी और बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड हो जाती है, तो एक चम्मच मैंने गुलाब जल और एक चम्मच मैंने ग्लिसरीन लिया है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप टीस्पून ही लें। मैंने इसमें लिया है लेमन जूस यानी कि नींबू का रस। अब नींबू का रस क्यों लिया है आप सोचेंगे, नींबू का रस क्यों लिया है, तो देखिए नींबू का रस जो सर्दियों में हमारी स्किन काली पड़ जाती है, हमारी स्किन डल पड़ जाती है, हमारी स्किन को हम नेचुरल ब्लीच चाहते हैं, तो नींबू का रस हमारी स्किन को नेचुरल ब्लीच करता है, हमारी स्किन जो काली पड़ चुकी है उसे रिपेयर करता है और स्किन को नेचुरल ब्राइटनिंग का भी काम करता है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हमें चेहरे पे लेमन नहीं लगाना चाहिए, हमारी स्किन पे पिंपल्स हो जाते हैं, स्किन पे क्लियर हो जाता है, रैशेज। देखिए अगर आप नींबू अपने चेहरे पर डायरेक्ट लगाते हैं तो आपकी स्किन को वो थोड़ा सा इरिटेट कर सकती है, बट अगर जब आप किसी चीज़ को जैसे कि आप इसे गुलाब जल में लगाएंगे या इसको एलोवेरा जल में लगाएंगे या किसी भी चीज़ में इसको मिक्स करके लगाते हैं ना, तो इसका जो रिएक्शन बहुत कम हो जाता है और इसका जो इफ़ेक्ट है दुगना हो जाता है। तो एक चम्मच मैं इसी चम्मच से मैंने सारे अपने इंग्रीडियंट्स लिए थे, तो मैंने नींबू का रस ऑलरेडी निकाल के रखा था क्योंकि हमें एक क्वांटिटी में इसको लेना था, तो मैंने चम्मच से ही पहले मैंने कहा रस निकाल लेती हूँ फिर उसी चम्मच से ले लूँगी। तो देखिए एक चम्मच के अराउंड मैंने इसमें लिया है नींबू का रस और इसमें मैं डाल दूंगी। बस दोस्तों ये हमारा नुस्खा बनकर तैयार है, जो कि आपको लग रहा होगा ये क्या ये पानी जैसा है, बट ट्रस्ट मी जब आप इसे लगाएंगे ना रोज एक से दो बार रात को सोने से पहले या सुबह जब भी आपके पास टाइम हो, तो ये आपकी स्किन पे इतना अच्छा असर करेगा ना। सर्दियों का जितना भी प्रॉब्लम है, कटी फटी रूखी सूखी स्किन है, काली रूखी सूखी बेजान, आप इसे अपने चेहरे पे लगाएं, आपको पूरी सर्दी कोई मॉइस्चराइजर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी आपको क्रीम या आपको ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि खुद ये इतना अच्छा है। और क्या होता है सर्दियों में हम अपने स्किन पे ऑयल लगाते हैं तो स्किन और ज़्यादा काली लगती है और वो स्टिकी सी ऑयली ऑयली सी लगती है, और जब हम ऑयल हटाते हैं तो फिर स्किन वैसे ही ड्राई हो जाती है। बट ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट है क्योंकि ना ही आपकी स्किन को ऑयली करेगा, नॉन स्टिकी फॉर्मूला है, स्किन को ऑयली नहीं करेगा ना ही स्किन पे जमेगा, बट जब आप इसे लगाएंगे तो ये इतना लाइट है कि आपकी स्किन के अंदर तक घुस जाएगा, पेनिट्रेट हो जाएगा और आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा, मतलब ऑयली भी नहीं करेगा और अंदर से आपकी स्किन को नरिश करेगा। तो चलिए इसके लगाने का तरीका भी देख लेते हैं। और फिलहाल तो मैंने कोई मेकअप नहीं कर रखा, तो मैं अपने चेहरे पे ही इसको बस मैंने क्रीम एक लिपस्टिक लगाई थी बस, तो स्किन पर अभी तक मैंने कुछ नहीं लगाया, तो मैं अब बताती हूँ कि इसको आपको कैसे लगाना है। तो पहले अपने चेहरे को क्लीन कर लें, ठीक है। फिलहाल मेरा फेस तो अच्छे से क्लीन है, मैंने फेस वॉश किया था बस, फेस पर भी कुछ नहीं लगाया था। तो इसको थोड़ा सा अपने देखो मैंने ये हाफ चम्मच के अराउंड लिया है, अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं और ले लूँगी। आप सबसे बड़ी बात है आप इसे अपने हैंड्स पे, अपने फेस पे, अपनी बॉडी पे कहीं भी एज अ मॉइस्चराइजर की तरह भी लगा सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा ये लेना है अपने चेहरे पे, ठीक है। मैं थोड़ा सा और ले लेती हूँ, इतना ज़्यादा लाइट वेट है नहीं, इतना ज़्यादा स्टिकी, देखिए बहुत ज़्यादा मतलब कोई वाटर ये देखिए, और हल्के हल्के हाथों से आपको अपने पूरे चेहरे पे इसे लगा लेना है इस तरीके से, मसाज करते हुए हल्के हल्के हाथों से आपको सर्कुलर मोशन में अपने फिंगर्स टिप्स को ऐसे आपको घुमाना है और हल्के हल्के हाथों से ऐसे मसाज करनी है। देखिए एक मिनट भी नहीं लगेगा आपको, हल्के जैसे भी आप कोई क्रीम लगाते हैं बस हल्के हल्के से, ताकि आपकी स्किन पे अच्छे से समा जाए, मतलब आपकी स्किन अच्छे से पी ले। वैसे बहुत ज़्यादा लाइट वेट है तो आपकी स्किन इसे अच्छे से पी लेगी। तो ये देखिए थोड़ा सा और ले लेती हूँ और अपने हैंड्स पे भी इसे लगा लेती हूँ। ये देखिए हैंड्स पे भी लगा लूँगी क्योंकि हैंड्स भी हमारी सर्दियों में बहुत ज़्यादा काले हो जाते हैं, हमारे पैर, हमारे बॉडी पार्ट्स भी काले हो जाते हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रखेगा। और ये आज की नहीं, बहुत पुरानी रेमेडी है, मतलब बहुत पुरानी, बट ये बहुत ज़्यादा मैजिक का काम करती है। तो देखिए फ्रेंड ये मैंने बना लिया है और अपने मैंने फेस पे भी लगा लिया है, अपने हैंड्स पे भी लगा लिया है। तो आप स्किन देख सकते हैं नेचुरल, इतना ऑयली लग रही है बट मेरी स्किन बिल्कुल ही एक शाइन मार रही है और एक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है और लग ही नहीं रहा कि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, मेरी स्किन भी बहुत ज़्यादा ड्राई है, ये आपकी स्किन पे अच्छे से पेनिट्रेट हो जाएगा। तो चलिए उम्मीद करती हूँ इसे बनाइए, लगाइए और अपने एक्सपीरियंस शेयर किए
कीजिए, और आई होप मेरी आज की वीडियो मेरी यूट्यूब फैमिली को बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। तो मिलती हूँ और भी अच्छी अच्छी विंटर्स की वीडियोज़ के साथ, क्योंकि फ़िलहाल अभी वीडियो भी विंटर्स है ही, तो और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके साथ मैं लाती रहूँगी। तो चलिए मिलती हूँ, अलविदा, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।